हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैं जा रही हूँ अपने सासू मम्मी के साथ उनके मायके, मतलब मेरे मामा घर पे, क्योंकि आज है मामा के घर पे, छोटे मामा के घर पे नारायण पूजा एंड नए दुल्हन एंड दुल्हन से भी मिलना था। उनके छोटे बेटे का शादी हुआ था कुछ टाइम पहले, हम आ नहीं पाए थे कुछ कारण की वजह से, तो आज पूजा में सब लोग मिलने के लिए आए हैं। ये है अरेंजमेंट, मेहमान आना जाना कर रहे थे। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे शर्म भी आ रही थी एंड बहुत दिन के बाद सबसे मिल रही थी जेठानी लोग से, तो उनके साथ में मैं बिजी थी। ये है मंडप जहाँ पे पूजा हुआ था एंड वही है, इसको मैंने थोड़ा मेमोरी के लिए कैप्चर भी कर लिया यहाँ पे। गाइस मैं आपको अद्वी का नया चेहरा दिखाती हूँ, जो यहाँ आने के बाद चेंजेस आया है उसके लाइफ में, दिखाती हूँ। अद्वी चलो माम खाने चलो, छिटाई जा, अरे माम खाना आओ नू, माम खाना ही जा, छोटे माम खाना है जा, की ना माम खान जा, अरे माम खाना फिर खेलना उन्हों। अद्विक को बाहर खेलना इतना पसंद है गांव में कि उसको जब भी बुलाओ तो वैसा करता है। ये तो मैंने बाद में मतलब कैप्चर किया, फर्स्ट वाला जो रिएक्शन था वो तो माय गॉड देखने लायक का था। एंड तपन का यहाँ पे ब्लड टेस्ट चल रहा है, दादा को घर पे ही बुलाया था टेस्ट कराने के लिए क्योंकि तपन की तबीयत इतनी ठीक नहीं है। एक्चुअली बिहू के बाद उनके पैर में स्वेलिंग हो गया था, तो यूरिक एसिड टेस्ट करने के लिए हम लोग ने बुलाया था क्योंकि पहले भी ये प्रॉब्लम हो चुका था। एंड दो तीन दिन का रेस्ट करने के लिए उनको डॉक्टर ने बोला है, प्लस दवाई कंटिन्यू करने के लिए बोला है, तो वही एक रेगुलर चेकअप उनका कराया था। एंड अद्विक यहाँ पे बहुत वहां पे कुछ कुछ बोल रहा था तो अपन भी हंस रहे थे। एक्चुअली आपको तो ये सारा वीडियो एक ही में ही आएगा, मतलब ये सारा मैं कंबाइन करके देने वाली हूँ क्योंकि मुझको आजकल कैमरा पकड़ने में बहुत मतलब मन नहीं होता है क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ यहाँ पे एंड कुछ अलग ही दुनिया में हूँ मुझे ऐसा लगता है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। सो जो भी हो, आज है मेरे पति देव का बर्थडे है, आज है 19 जुलाई 19 जैन। वो सुबह से बर्थडे में कुछ नहीं किया, उनको बस विश किया। उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, मतलब उनका कुछ प्रॉब्लम होके मतलब हेल्थ इशू हो के उनका पैर में स्वेलिंग हो गया, बहुत बड़ा हाथी का ऐसा पाँव होकर बैठे हुए हैं वो। तो हम लोग आज गुवाहाटी जाने वाले थे तो मैंने सोचा था वहीं पे जाके कुछ सरप्राइज़ मतलब प्लान कर लूँगी क्योंकि गुवाहाटी तो मेरा अपना है, मैं वहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे निकलने में प्रॉब्लम हो जाता है घर में सब कुछ मैनेज करके, एंड इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अभी रात को हम लोग सिंपल सा एक सेलिब्रेशन करेंगे, नॉट केक कटिंग वटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पूरा गाँवले स्टाइल में, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। और बाकी तो कुछ भी नहीं किया है, कल सुबह सुबह हम गुवाहाटी के लिए निकल जाएंगे। कल सुबह सुबह मेरे जेठी एंड जेठन दी भी घूम फिर के आ जाएंगे दिल्ली वाली से। तो यही है अपडेट, बहुत दिन से कैमरा नहीं पकड़ रही हूँ लेकिन मैं आपको दिखाऊँगी थोड़ा बहुत जितना मैंने कैप्चर किया है। सो चलिए, आप सब भी मेरे पति देव को दिल से विश कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि उनकी लाइफ जो है वो अच्छे से ग्रोथ हो के कटे। सो चलिए, एंड अद्विक भी एकदम बढ़िया है, बहुत बदमाश हो गया, बहुत जोर से बात करने लगा है, बहुत नानू करने लगा है हर चीज़ कुछ, अगर आप उसको बोलो तो नहीं नो कर दी ना ये सब करने लगा है। तो अपडेट अभी तक यही था, तो मैं आपको अगर मुझे याद आए कैमरा पकड़ने के लिए तो मैं आपको जो बनाऊंगी मैं दिखाऊंगी। क्योंकि बिहू में क्या हुआ ना, लास्ट जो वीडियो मैंने दिया था, हम लोगों ने बहुत सारा कुछ बनाया था, कुकिंग किया था, मतलब डक का मीट बनाया था, खसी का मीट बनाया था, वो तो मैंने वीडियो ही नहीं किया, मतलब खा के बीमार भी निकल गया लेकिन मैंने वीडियो ही नहीं किया। सिर्फ एक दिन शायद चिकन का वीडियो मैंने किया था, तो याद ही नहीं रहता है क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, काम में आप बिजी रहते हो। सो यही था, चलिए आगे बढ़ाते हैं। मैं फिर से भूल गई, खीर वो उबल रही है, उसे तोड़ के देखे आके बंदा गोभी का एक सब्जी मैंने बनाया।
बोले बाबा ले हैप्पी बर्थडे बनो 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 बाबा ले के बनवो वेटम वेटम ने थैंक यू बनवो I love you. I love you. I'm Superman. Dinosaur का नाम क्या थिया रे? Danta. कौन सा बच्चा? Wow, Danta. Dinosaur का सदा चल रहे थे? Wow. अन्य? नाम क्या Dinosaur को? Danta Fish. अन्य? Danta. Hello and good morning everyone. तो आज हम जा रहे हैं Guwahati. Hi बोलो. Hi बोलो बोला. Hello. Hi बोलो अभी. Hello. Hello. बहुत सालों से बोले थे कि मुझे गाड़ी सिखाओ पर फिर दो नहीं दे रहे थे आज मजबूरन इसमें मुझे देना पड़ा तो चलिए मेरे साथ अगर कुछ होता है तो रास्ता में अगर कुछ इंसिडेंट ऐसा कुछ होगा भगवान ना करे ऐसा कुछ हो तो मैं आपको अपडेट दूंगी और हम अगर सही सलामत पहुंच गए तो भी मैं आपको अपडेट दूंगी सबको पता है नहीं पता है बहुत बाहर ये ड्राइवर मैडम नदी अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भूमरागुड़ी ब्रिज से और जिंदगी में बहुत बार ये ब्रिज क्रॉस किया लेकिन फर्स्ट टाइम खुद ड्राइव कर रही हूँ तो मजा आई है तो पति बताओ कैसे चला अभी हम गाड़ी एकदम परफेक्ट सिखाने वाला परफेक्ट है तो पूरी परफेक्ट चला बिल्कुल नहीं मेरा बाप ने मुझे सिखाया है तपन ने नहीं हम पहुँच गए हैं सीता चकला हाँ तो अभी हम पहुंच चुके हैं सीता चकला गाड़ी मैंने परफेक्टली पार्क करा दी है मैं आपको दिखाती हूँ एंड अच्छा ही लगा मतलब पहले तो बहुत डरती थी मुझे गुवाहाटी के अंदर चलाने को मन था लेकिन बहुत डर रहा था लेकिन हाईवे में तो मज़ा आ गया अब थोड़ा प्रैक्टिस हाथ में रखे तो गुवाहाटी के अंदर भी चलाएंगे है ना तू कैसा लगा तू गाड़ी में मज़ा हाथ मुँह में नहीं था मज़ा आया कौन चलाया गाड़ी व्हाइट गाड़ी कौन खुदा लाया माले आजो मेजन मुंह में हाथ क्यों दे रहे अरे अरे Don't get down.
क्या हो गया? तो अभी हम फ्री कार वॉश करा रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं खाना पड़ा एंड यहाँ पे आके हम लोग ने भराया पेट्रोल जो कि है भारत पेट्रोलियम से। एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा सर्विस मिलता है जो गुवाहाटी में है, जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूँ क्योंकि मुझे भी अभी पता चला है कि यहाँ पे फ्री कार वॉश होता है। लेकिन आप चाय पानी पीने के लिए भी जाइए, भाई को कुछ दे सकते हो क्योंकि वो इतना मेहनत करता है। वैसे फ्री है तो हम लोग ने भी अभी आए हैं इतनी दूर से तो कार वॉश करवा ही लिया, जबकि यहाँ पे फैसिलिटी ज्यादा टाइम मिलता है, फटाफट से कर देते हैं। तो ये अपडेट देना था। अभी यहाँ पे बहुत अद्दू बहुत एक्साइटेड है कि बानी आ गया। क्या क्या थी बानी आ गया। सो यही था, हम लोग भी फाइनली गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। ट्रैफिक देख के आपको पता चल गया होगा कि गुवाहाटी एंटर हो चुका है। एक्चुअली कुछ मीटिंग था शायद, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक लग गया था। एंड मुझे इतनी नींद आई थी ना, इतनी थकावट हो रही थी, तब तो इतना पता नहीं चला था। जब गुवाहाटी पहुँच गए तो बहुत नींद आ रही थी। एंड मैं अपना वीडियो भी यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो पर। टिल देन बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना एंड यस मेरे सच चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।